जीएसटी। हाँ, आप और मैं कहीं भी जाते हैं तो जीएसटी का बड़ा नाम सुनने में आता है। तो क्या है जीएसटी, इन शॉर्ट समझते हैं। और अगर आपने फर्स्ट टू वीडियोस ऑफ जीएसटी मेरे नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर जाएं और एक बार उसको भी देखें। आज हम क्विकली और इन शॉर्ट में जीएसटी को एक बार फिर से समझते हैं। तो जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और हमारे देश में 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी इसको वन टैक्स वन नेशन के रूप में पूरे देश में अप्लाई कर दिया। अब जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका मतलब है ये टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है। अर्थात जो फर्म्स हमें गुड्स और सर्विसेज बेच रही हैं ये टैक्स उन पे लगता है, पर अल्टीमेट बर्डन एक्चुअली हमारे ऊपर आता है। यस, आप और मैं इवन रिचार्ज जो करा रहे हैं, अपना नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा रहे हैं, यहाँ तक कि आप मोबाइल का भी जो रिचार्ज करा रहे हैं उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है। तो आज लगभग सब गुड्स एंड सर्विसेज में जीएसटी लगा हुआ है, सिवाय अल्कोहल्स में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ये टैक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट ली गई है, मतलब जिस स्टेट में आप हैं, है ना, लेट से आप यूपी में हैं और आपने यूपी में ही गुड्स परचेज किया और यूपी में ही सेल कर दिया, तो आप हो गए विद इन द स्टेट। तब आपको क्या लगेगा, दो जीएसटी लगेगा। एक हिस्सा सी जी एस टी कहलाएगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा पार्ट कहलाएगा एस जी एस टी। याद रखिएगा ये दोनों पार्ट हमेशा इक्वल होते हैं। अगर सी जी एस टी 9% है तो एस जी एस टी भी 9% होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 7 हो और ये 5 हो। इक्वल शेयर ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट होकर के कहलाता है जीएसटी। मतलब जीएसटी हो गया कितना, 18%। क्यों? क्योंकि मैंने कहा दोनों के परसेंट क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अगर आपको जीएसटी बता दिया है 18% है तो आप समझ जाइए कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का हाफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाफ है। क्लियर है? अब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे भी होते हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, मतलब आउटसाइड दी स्टेट मंगवाते हैं, स्टेट के बाहर से मंगवा लेते हैं। तो जब हम स्टेट के बाहर से मंगवाते हैं और इवन स्टेट के बाहर बेच भी देते हैं तो क्या होता है, तब अप्लाई होता है आई जी एस टी। आई स्टैंड्स फॉर इंटर स्टेट, नाम से पता चल रहा है। ये जीएसटी का परसेंट एक साथ ही दिया रहता है। लेट से 18% है तो 18% जीएसटी लगेगा परचेज करने पर और 18% लगेगा सेल करने पर। क्लियर है? ये तो हो गया बेसिक फंडा। अब आता है जब हम सेल करते हैं, यस, जब फर्म सेल करती है तो उस जीएसटी को कहते हैं आउटपुट जीएसटी। क्लियर है? और जब फर्म परचेज करती है, फर्म कहीं से ले आती है तो लगता है इनपुट जीएसटी। अच्छा, आउटपुट जीएसटी जो कि बेचने पे लग रहा है, ये वो जीएसटी है जो हमने कलेक्ट किया है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि हम एक शॉपकीपर हैं और हमने क्या किया, गुड्स बेचा और क्या किया, जीएसटी कलेक्ट कर लिया, है ना। कस्टमर मुझे जीएसटी दे देंगे तो उस जीएसटी को हम कहेंगे क्या, आउटपुट जीएसटी। क्या ये जीएसटी मेरा पैसा है, शॉपकीपर का पैसा है? जवाब है नहीं। और पर इसका रिवर्स भी आते हैं, मैंने भी तो कहीं से खरीदा होगा, मैंने कहीं से खरीदा होगा तब जाके किसी कस्टमर को बेचा होगा। तो मैंने जब किसी से खरीदा, किसी होलसेलर से खरीदा, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा, तो मुझ पे भी जीएसटी लगा था। यस, जब मैं परचेज कर रहा था तो मुझ पर जो जीएसटी लग रहा था वो था इनपुट जीएसटी। ठीक है? अब मैं सरकार को पूरा जीएसटी नहीं पे करूंगा, कितना पे करूंगा, जितना आउटपुट जीएसटी अर्थात जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है कस्टमर्स के साथ और जो मैंने जीएसटी पे किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैं सरकार को दूंगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको एक फॉर्मूले से। आउटपुट जीएसटी फर्म को, मैं हूं फर्म, मैं हूं सेलर, फर्म के पास रखा हुआ है या ठीक है, और इनपुट जीएसटी जब मैंने जीएसटी पे किया, इसका डिफरेंस आएगा। यस, इसका डिफरेंस आएगा अगर जीएसटी पेबल निकालना है,
तो आपका आउटपुट जीएसटी ज्यादा होगा, इसीलिए आप क्या करेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी कर देंगे। फॉर्मूला बन गया आपका, ये फॉर्मूला किसका हो गया, जीएसटी पेबल का। ठीक है, आप जीएसटी अब गवर्नमेंट को क्या करेंगे, पे करेंगे। क्यों पे करेंगे, क्योंकि जीएसटी आपके पास ज्यादा है, कलेक्ट आपने ज्यादा कर लिया है, और आपने जो जीएसटी पेमेंट की थी वो आपके पास कम है, इनपुट कम है, परचेज करते समय जो इनपुट लगा था वो कम है। इसका ठीक रिवर्स है, और रिवर्स क्या है, हो सकता है जीएसटी क्रेडिट हो जाए, और जीएसटी क्रेडिट मतलब मेरा जीएसटी, फर्म का जीएसटी ज्यादा ऑलरेडी जमा है सरकार के पास। तो इसका फॉर्मूला ठीक रिवर्स हो जाएगा, जब इनपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, तब आप क्या करेंगे, यस, तब आप जीएसटी क्रेडिट ले लेंगे। तो दो में से कोई एक होगा, जीएसटी पेबल होगा या जीएसटी क्रेडिट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो वीडियो के अंत तक बने रहो, कुछ एग्जांपल के साथ अभी आपको क्या करने वाले हैं, इसको पूरा इलस्ट्रेट करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं अब जीएसटी कैसे अप्लाई करना है। लेट से एक फर्म ने गुड्स परचेज किया ₹10,000 का, और सेल किया इसी गुड्स को लेट से ₹15,000 का। जब फर्म ने गुड्स परचेज किया था तो वो सेम स्टेट से परचेज किया था, तो लगेगा क्या, इनपुट, यस, जब परचेज करते हैं तो क्या लगता है, इनपुट जीएसटी। तो फर्म को लगेगा इनपुट जीएसटी, अब क्योंकि सेम स्टेट से परचेज किया है तो इनपुट जीएसटी दो लगेगा, सी जीएसटी एस जीएसटी। लेट से जीएसटी इज गिवन 10%, अगर जीएसटी 10% है तो जरूर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, 5-5% होंगे, मैंने बताया दोनों हमेशा सेम होते हैं। तो 5% सी जीएसटी, 5% एस जीएसटी, परचेज करने पर लगेगा इनपुट। सो 5% ऑफ 10,000, सो आप निकाल देंगे 5% ऑफ 10,000, दिस गिव्स यू 500। सिमिलरली 5% आपका एस जीएसटी भी आ जाएगा, 5% 5% आ जाएगा। सो आपके पास जीएसटी कितना आया, 1,000 रुपीज। सो परचेज करने पर इनपुट जीएसटी आया 1,000, कैसे आया, 500 आपका सी जीएसटी और 500 आपका एस जीएसटी। अब आपने गुड्स बेचा, यस, मैंने कहा था, अज्यूम कर रहा हूं कि मैं एक शॉपकीपर हूं, तो गुड्स बेचा तो बेचने पे क्या लगेगा, आउटपुट जीएसटी, है ना। हमें हर बार क्या करना है, जीएसटी क्रेडिट या जीएसटी पेबल जब भी निकालना है तो कंपेयर करना है आउटपुट और इनपुट में। आउटपुट जीएसटी ज्यादा होगा तो आप करेंगे जीएसटी पेबल, और अगर इनपुट जीएसटी ज्यादा होगा तो आप करेंगे जीएसटी क्रेडिट। क्लियर। तो अब हमने जब सेल किया, ये तो मैंने खरीदा है, अब जब हमने सेल किया तो मैंने कहा फिर जीएसटी लग रहा है, लेट से जीएसटी लग रहा है 10% सेल करने पर भी। अब जीएसटी कैसा लगेगा, मैंने कहा दो जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी लगेगा और एस जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी एस जीएसटी, क्योंकि विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगेन 5-5% हो जाएगा, 5 कहां से आया, ये 5-5% कहां से आया, क्योंकि जीएसटी कितना है, 10% है, तो 10 अगर जीएसटी है तो आधा सी जीएसटी होगा आधा एस जीएसटी होगा। सो नाउ आपका जीएसटी 5% किसका निकालेंगे, 15,000 का। सो 5% ऑफ 15,000 कितना आ गया आपके पास, 750 रुपीज। इसका मतलब 750 आपका सी जीएसटी हो गया, 750 आपका एस जीएसटी हो गया। सो आपके पास आउटपुट प्लस करेंगे दोनों को,
जीएसटी आ जाएगा 1500। साफ साफ दिख रहा है आपका आउटपुट जीएसटी ज्यादा है। जब आउटपुट ज्यादा होता है तो क्या होता है, आउटपुट जीएसटी ज्यादा होता है तो क्या होता है, करेक्ट, तब आप जीएसटी गवर्नमेंट को पे करोगे। क्यों पे करोगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, जब आपने कलेक्ट किया कस्टमर से तो आपने 1500 कलेक्ट किया, पर आप जब पेमेंट कर चुके हो जीएसटी की, वो 1000 कर चुके हो गवर्नमेंट को, है ना, ये रहा ना इनपुट, तो अब इसका डिफरेंस 500 बचा, अभी आप गवर्नमेंट को 500 और दोगे। कौन है हम, मैंने बताया था थोड़ी देर के लिए, मैंने अज्यूम किया कि हम लोग ही वो शॉपकीपर है, सेलर है। देखिए जीएसटी आपके रियल लाइफ का क्वेश्चन है, हाँ अगर इसको आप मार्केट में और रियल लाइफ के नज़र से सोचेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ऐसा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। सो जीएसटी पेबल आएगा हमारे पास, क्रेडिट नहीं आएगा। क्यों पेबल आया, क्योंकि आपके पास आउटपुट ज्यादा है, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा 1500 माइनस 1000, सो योर आंसर इज ₹500। समझ में आ गया होगा, तो लाइक तो बनता है मेरे लिए, हाँ लाइक भी करो, और समझ आने पे अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी क्या करो, इसको जरूर शेयर करो। अभी टॉपिक और समझना है इसीलिए थोड़ा ध्यान देंगे और आगे। अभी तो दिखाया आपको कि आपका आउटपुट जीएसटी ज़्यादा आ रहा है, हो सकता है आपका इनपुट जीएसटी ज़्यादा आ जाए। चलिए आइए उसको भी देखते हैं। विद इन द स्टेट हमने सेल किया लेट से 10,000 रुपीज का, और हमने परचेज किया था 12,000 का, और जीएसटी कितना बता रहा है क्लियरली 10% है, तो विद इन द स्टेट है इसीलिए क्या लगेगा, दो जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा, दोनों कितना कितना लगेगा, 5-5%। चलिए एक टेबल से भी समझ सकते हैं इसको, एक छोटा सा टेबल बना देते हैं। पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर बनाते हैं अमाउंट, फिर लिखते हैं जीएसटी, इसमें सी जीएसटी और एस जीएसटी। क्यों दोनों लग रहा है सी जीएसटी एस जीएसटी लग रहा है, क्योंकि विद इन द स्टेट है और दोनों ही हमेशा सेम होगा, और यहां पर टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं आप। मेरे केस में सेल कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, आउटपुट लगेगा, है ना, सेल करने पे आउटपुट जीएसटी लगता है, तो आउटपुट जीएसटी कितने का सेल कर रहे हैं, अमाउंट है आपके पास 10,000 का, रेट कितना है 10% है, तो इसका मतलब 5% रेट आपका लगेगा सी जीएसटी में और 5% लगेगा आपका एस जीएसटी में। सो 10,000 का 5%, 500, अगेन एस जी एस टी भी 500 होगा, याद होगा दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो आपके पास टोटल अमाउंट हो गया 10,000 प्लस 1,000, सो 11,000, ठीक है, पर आपका जीएसटी टोटल कितना आएगा, ये रहा 1,000। अब आप क्या कर सकते हैं, यस इनपुट जीएसटी निकाल लेंगे, इनपुट की प्राइस कितनी है हमारे पास, 12,000 है, परचेज मेरा इनपुट है, परचेज किया है 12,000 का, 12,000 का 5% निकालेंगे 600 आ जाएगा, अगेन एस जी एस टी भी 600 ही आएगा, क्योंकि 12 5 जा 60 हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 12,000 और ये 6 और 6 1200, सो 13,200, है ना। अब आपको निकालना पता चल रहा है साफ साफ कि आपका इनपुट ज़्यादा है। जब आपके पास इनपुट ज़्यादा होता है, देखिए अब आपके पास साफ साफ समझ आ रहा है आपकी इनपुट वैल्यू क्या आ रही है जीएसटी की, वो 1200 आ रही है, जबकि आउटपुट वैल्यू कितनी है आपके पास, 1000 है। इसका मतलब है आपने परचेज करते समय ज़्यादा जीएसटी ऑलरेडी पे कर रखा है गवर्नमेंट को, तो अब आपको जीएसटी का क्या मिलेगा, क्रेडिट। ये जीएसटी क्रेडिट क्या होता है, जीएसटी अगर आपने ज़्यादा ऑलरेडी पे कर रखा है तो आपका जीएसटी उसमें एडजस्ट हो जाएगा, जो नेक्स्ट बार आपको जीएसटी पेमेंट करना है उतना आपका एडजस्ट हो जाएगा, इसी का नाम रखा गया है जीएसटी क्रेडिट। सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा
जीएसटी क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट इज इक्वल टू इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। अभी हमने फॉर्मूले का जिक्र किया था, है ना? थोड़ी देर पहले हम लोग ने यही फॉर्मूला देखा था कि इनपुट आपका जब ज़्यादा आ जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब है अभी भी आपका जीएसटी ज़्यादा गवर्नमेंट के पास जमा है, अब आप 200 रुपये का जीएसटी का यस क्रेडिट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपको और जीएसटी देना होगा तो उसमें आप इस 200 रुपये को क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। इसी का नाम रखा गया है जीएसटी क्रेडिट। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। और परचेज और सेल अलग अलग स्टेट से करने जा रहे हैं। लेट्स से सेल टू अनदर स्टेट करने जा रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं दूसरे स्टेट को। लेट्स से हम यूपी में हैं और हम बेच रहे हैं कहाँ, हरियाणा, और हमने परचेज किया है किसी दूसरे स्टेट से, तो परचेज फ्रॉम अनदर स्टेट है। दोनों ही क्या है, अलग अलग स्टेट से हैं। आपको क्या लगेगा? यस, IGST लगेगा। इस बार CGST, SGST नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बियॉन्ड द स्टेट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किसी और स्टेट से, परचेज फ्रॉम अनदर स्टेट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं किसी और स्टेट को, है ना? जैसे हम यूपी में हैं, हमने बिहार से गुड्स परचेज किया और हरियाणा को बेच दिया, तो परचेज किया फ्रॉम बिहार 10,000 में और सेल कर दिया हरियाणा को 15,000 पे। अब लगेगा IGST। अगेन एग्जाम्पल है, IGST है 10%। एक छोटा सा टेबल बना के आपको समझा देते हैं कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर आप लिख देंगे अमाउंट, फिर लिख देंगे IGST, है ना? IGST निकालना है इसमें और इसको IGST को अंदर कर देते हैं, IGST, और ये रहा टोटल। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब आप सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कितने का, 15,000 का, तो आपको लगेगा यस आउटपुट IGST। क्यों IGST लग रहा है, फिर से पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि ये फ्रॉम अनदर स्टेट है, विद इन द स्टेट नहीं है। जब हम किसी दूसरे स्टेट से परचेज करके ला रहे होते हैं तो लगता है IGST, इंटर स्टेट लगता है। तो 15,000 का हमने परचेज किया। अब इसमें दो पार्ट में जीएसटी नहीं लगेगा, CGST, SGST नहीं लगेगा, एक ही बार में जीएसटी लगेगा और सीधे लगेगा IGST। तो IGST कितना है, 10%। सो 10% निकालेंगे 15,000 का, सो कितना आ जाएगा, 1,500। अब टोटल अमाउंट कितना देना है, 15,000 प्लस 1,500, सो 16,500। अब हमने क्या किया, परचेज भी किया है, परचेज किया तो मुझे क्या लगेगा, याद रखिएगा हम फर्म हैं, हम शॉपकीपर हैं, हम फर्म हैं, परचेज करने पे क्या लगेगा बाहर से, यस मैंने कहाँ से परचेज किया है, बाहर से परचेज किया है, तो मुझे फिर लगेगा IGST। IGST कितना है, 10%। परचेज कितने का किया है, 10,000 का। 10,000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 का 10% निकालेंगे 1,000 आ जाएगा। सो आपके पास अब प्राइस कितनी आ रही है यहाँ पर, 11,000। हमें मेन किसको देखना है, हमें देखना है IGST आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है। आउटपुट है 1,500 और इनपुट है 1,000। साफ से पता चल रहा है आपको कि आपकी आउटपुट वैल्यू ज़्यादा है, जब आउटपुट ज्यादा होता है तो आप जीएसटी पे करते हैं। क्लियर? तो जीएसटी पेबल हो जाएगा आपके लिए, है ना? जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, 1,500, दैट इज आउटपुट IGST माइनस इनपुट IGST, दिस विल गिव यू 500। सिंपल है? चल याद रखिएगा, जब आपके पास आउटपुट IGST ज्यादा है तो आप पहले इनपुट माइनस करेंगे। इनकेस आपने विद इन द स्टेट खरीदा होता, लेट्स से ये विद इन द स्टेट खरीदा होता, तो आपको ये क्या हो जाता, तब ये चेंज जाता। यहां पर आपको विद इन द स्टेट होता, सेम स्टेट होता, तो अब क्या हो जाता, तब ये जीएसटी दो लगता, एक CGST लगता और एक SGST लगता।
तब आपको क्या करना था, तब आपको पहले इस जीएसटी पेबल में से आउटपुट में से पहले क्या माइनस करेंगे, आउटपुट आई जीएसटी में से माइनस करेंगे पहले इनपुट सी जीएसटी। ये रूल है, ध्यान देना है इसे आपको। क्या करना है, अगर आपने परचेज विद इन द स्टेट किया है, पर सेल आपने क्या किया था, दूसरे स्टेट को किया था, तो जब आप सेल कर रहे थे तो आपके पास आ गया आउटपुट जीएसटी, है ना। और क्योंकि आप स्टेट के बाहर सेल कर रहे हैं इसीलिए आउटपुट आई जीएसटी आ गया। अब क्योंकि विद इन द स्टेट ही परचेज किया था तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों देना पड़ेगा। तो सी जीएसटी पहले माइनस करेंगे, उसके बाद क्या माइनस करेंगे, इनपुट एस जीएसटी माइनस करेंगे, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब जो आंसर बचेगा वही आपका जीएसटी पेबल होगा, ठीक है। ये आपका क्या करेंगे, जीएसटी पेबल आ जाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान देंगे आप। ऐसा कब करेंगे, समझ गया ना, जब क्वेश्चन में क्या हो, सेल आप कहीं और कर रहे हैं, किसी और स्टेट में कर रहे हैं, जब परचेज आप विद इन द स्टेट कर रहे हैं, और नहीं तो मैंने एक तरीका दिखाई दिया। क्लियर है, ए ने परचेज किया अ कार फॉर ₹4 लाख, ठीक, ये कार की बेस प्राइस है, और इस पे जीएसटी है 10%। तो मैंने कहा एज अ कस्टमर हम खरीद रहे हैं तो जीएसटी मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, सिंपल है बहुत। तो कार की प्राइस 4 लाख है, जीएसटी है कितना, 10%। तो व्हाट इज द प्राइस दैट ए हैज टू पे, सिंपल क्वेश्चन है। तो 4 लाख का 10%, सो 10% ऑफ 4 लाख सिंपली 40,000 आ गया, 40,000 जीएसटी देना है उसको। 4 लाख की तो कार पहले ही बता दिया था मैंने, है तो ए को कितना पे करना है, 4 लाख प्लस 40,000, सो 4 लाख 40,000, ये हमारे पास हो गई कार की प्राइस जो हम पेबल करेंगे। एक बहुत ध्यान देने लायक बात यह है कि जीएसटी किस पर लगता है, जीएसटी सेलिंग प्राइस पर लगता है, जिस दाम पे एक शॉपकीपर गुड्स बेच रहा होता है उस दाम पे लगता है, या ऐसा कहें जिस दाम पे आप गुड्स खरीद रहे हैं उस दाम पे लगता है जीएसटी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, एक व्यक्ति है ए, चलिए हम लोग हैं ए, तो ए परचेजेस करता है गुड्स, चलिए इस बार परचेज करता है शूज, ए परचेजेस शूज करते हैं, शूज की मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, सबका मतलब एक ही होता है, तो शू पे जो टैग लगा होता है जिसको हम टैग प्राइस भी कहते हैं, तो मैंने कई नाम दे दिया आपको। तो मार्क प्राइस है शूज का 500, अर्थात उस पे 500 का स्टिकर लगा हुआ है, पर दुकान पे लिखा हुआ है डिस्काउंट है 10%, और जीएसटी है अगेन 10%। अब क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द प्राइस दैट ए हैज टू पे टू परचेज द गुड्स। देखने में लग रहा है कि सर 10% डिस्काउंट हुआ, तो 10% कम करेंगे और 10% ऐड करेंगे, बात बराबर आ जाएगी, डिस्काउंट इतना छूट मिल जाएगी इसीलिए 10% इसमें से कम कर देंगे, जीएसटी वापस ऐड कर देंगे, 10% वापस जुड़ जाएगा, तो बात तो बराबर आ जाएगी। नहीं, आइए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। हमारे पास मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, क्यों सेलिंग प्राइस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा जीएसटी सेलिंग प्राइस पर निकलता है, इनकेस डिस्काउंट नहीं होता तो आपका मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता। क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता तो 500 ही आपका क्या होता, सेलिंग प्राइस होता, आप सीधे 10% उस पर निकाल देते जैसे कार में किया था हम लोग ने, ठीक है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए एक तरीका यह है कि आप डिस्काउंट पहले कैलकुलेट कर लीजिए, डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। मैं आपको दो तरीके से क्या करूंगा, डिस्काउंट एसपी निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। पहला मेथड कर रहे हैं हम लोग, आपको पहले निकालना पड़ेगा डिस्काउंट, तभी तो आप एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर पाएंगे। डिस्काउंट कितना हमने दिया है, 10%, सो 10% ऑफ 500, सो योर डिस्काउंट इज ₹50। तो अब आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस, आ गया
सेलिंग प्राइस आपका हो गया 500, जो कि आपका मार्क प्राइस है। मैंने बताया मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जिसका स्टिकर लगा होता है, उसको टैग प्राइस भी बोलते हैं, कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो 500 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया 50, सो योर सेलिंग प्राइस इज 450, ठीक। ये तो हो गया एक तरीका सेलिंग प्राइस निकालने का। आइए अब आपको दूसरा मेथड भी बता देते हैं, है ना। इस मेथड में हमने क्या किया था, हमने ये फॉर्मूला लगाया डिस्काउंट का पहले, और फिर डिस्काउंट को मार्क प्राइस से माइनस कर दिया। दूसरा तरीका है सेलिंग प्राइस आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे। SP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू मार्क प्राइस। सीधे सेलिंग प्राइस का निकालने का दूसरा तरीका भी दिखा दिया। आप सीधे एक फॉर्मूला लगा करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने दो स्टेप किया था, यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी आइए देखते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दैट इज 10 अपॉन 100 इनटू मार्क प्राइस जो कि हमारे पास है 500। सो दिस गिव्स यू 90 अपॉन 100 इनटू 500, सो योर आंसर इज 450। आ गया। तो आपने दोनों तरीके से एसपी आप निकाल सकते हैं, यू हैव द चॉइसेस, ठीक है। अब आपके पास चॉइस है, आप ये तरीका करना चाहते हैं कि ये तरीका करना चाहते हैं, ठीक। सेकंड में आपने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया आपका एसपी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इस सेलिंग प्राइस पर दैट इज 450 पे ही जीएसटी लगना है, क्योंकि हमें जीएसटी पे करना है। सो जीएसटी विल बी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस आया है 450, सो 10% इसका निकालेंगे, अगेन 45 रुपीज आ जाएगा। सो फाइनली प्राइस कितना पे करना है, 450 रुपीज सेलिंग प्राइस है प्लस 45 रुपीज। सो प्राइस कितना देना है हमें, 450 प्लस 45, दैट इज 495 रुपीज। क्लियर है ना। अभी हमने क्या किया, आपको मार्क प्राइस दे दिया, एक डिस्काउंट दे दिया और जीएसटी दे दिया, क्लियर है। चल अब आपको दो डिस्काउंट दूंगा, यस, एक जीएसटी दूंगा, और आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपने दोनों देख लिया है, कौन सा फॉर्मूला आपको इजी लगा, क्या ये दो स्टेप वाला या सिंगल स्टेप वाला। आई होप सिंगल स्टेप वाला इजी लगा होगा। चलिए उसी मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक। ए ने परचेज किया एक साइकिल, ठीक है। ए ने साइकिल परचेज की, साइकिल की प्राइस है, साइकिल की बेस प्राइस है ₹5,000। शॉपकीपर ने क्या किया, उसे डिस्काउंट दिया, ठीक है। डिस्काउंट पहला दिया 10%, दूसरा डिस्काउंट दिया 10%, और शॉपकीपर ने कहा कि आपको जीएसटी पे करना है, चलो 15%। अब बताओ साइकिल कितने की पड़ी ए को, व्हाट इज द प्राइस दैट द ए हैज टू पे फॉर द साइकिल। हमें निकालना है प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इस बार एक डिस्काउंट की जगह कितने डिस्काउंट है आपको, दो डिस्काउंट है। तो आप जीएसटी अब मार्क प्राइस पर या इस प्राइस पर 5,000 पे नहीं लगा सकते हैं, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू मार्क प्राइस। इस तरीके से आप दो बार कैलकुलेट करने से बच जाएंगे। एक आसान फॉर्मूला है ना, इससे पहले मैंने यही फॉर्मूला लिखा था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू मार्क प्राइस। अब दो डिस्काउंट हो गया है, इसलिए डिस्काउंट वन डिस्काउंट टू, आपका टोटल क्या हो जाएगा, एक ही बार में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। चले करते हैं। सो 100 माइनस 10, सो 100 माइनस 10 अपॉन 100, यहां भी वही दिया है मैंने, दोनों में बाई चांस सेम डिस्काउंट दिया हुआ है। 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है मेरे पास 5,000। हेयर इट बिकम्स 100 माइनस 10 90 अपॉन 100, यहां भी आपका बन जाता है 90 अपॉन 100 और 5,000 आपके पास मार्क प्राइस है। ये रहा आपका आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 9 जा 45 इंटू 90, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4। सो आपको साइकिल का सेलिंग प्राइस कितना मिल गया,
1050, है ना आसान, है ना। दो डिस्काउंट दिया रहे, तीन दिया रहे, तब भी आप इसी तरह करोगे, डिस्काउंट थर्ड भी इसमें जोड़ देंगे, है कि नहीं है। तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया। याद रखिएगा जीएसटी सेलिंग प्राइस पे ही लगता है, डिस्काउंट काटने के बाद जो प्राइस आता है उस पे लगता है। सो आपके पास अब आ गया सेलिंग प्राइस, अब आपको जीएसटी देना है कितना, 15%। किस पे देंगे जीएसटी 15%? इस सेलिंग प्राइस पे देंगे। सो जीएसटी विल बी 15% ऑफ 4050। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये रहा आपके पास जीएसटी, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 अपॉन 10। सो आपको जीएसटी कितना देना है, 607 रुपीज 50 पैसा। सो फाइनली प्राइस कितना पे करना है, प्राइस पेबल कितना है, ए को कितना प्राइस देना है, ए को प्राइस देना है, ये रहा सेलिंग प्राइस प्लस ये जीएसटी देना है। सो इसको बोलते हैं प्राइस इंक्लूडिंग जीआईएसटी, प्राइस इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 4050 प्लस 607.5। सो दिस विल बिकम 4657 रुपीज 50 पैसा। ठीक, रुपीज का, यस रुपीज का सिंबल लगाना जरूरी है ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये सब रुपी में चल रहा है ना। आप सिंबल जरूर लगाएंगे, यूनिट जरूर होना चाहिए। कितना आसान है ना, समझ में आ रहा होगा। तो यस लाइक बटन प्रेस करना, और मैंने इसके और वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस को भी आप जाकर जरूर देखें, अपने रिवीजन और कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रांग बनाएं।